हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर पांचवा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले धौलावीरा का लोकेशन देखते हैं। देखिए, यह भारत का मैप और इस मैप में ये वाला एरिया हम लोगों का गुजरात, और गुजरात में यहाँ पास जिला कच्छ गुजरात में पड़ता है धौलावीरा। गुजरात में यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है धौलावीरा। फिर आगे देखते हैं। देखिए, धौलावीरा का खोज हुआ था 1967-68 में, इसका खोज हुआ था और इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह विष्ट, और इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1990-91 में, इनका उत्खनन प्रारंभ हुआ था। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद हुआ। देखिए, इसका नाम धौलावीरा इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर पालिसदार श्वेत पत्थर की अधिकता है। यहाँ पर पालिसदार श्वेत पत्थर अधिक मात्रा में पाए गए हैं, जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा रखा गया है। फिर यहाँ से प्राप्त वस्तुएं देखते हैं। देखिए, धौलावीरा की खुदाई से एक विशाल शैलकुंड प्राप्त हुआ है, तौल के बाट प्राप्त हुए हैं, तराजू के बाट प्राप्त हुए हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर केवल तराजू के बाट प्राप्त हुए हैं, तराजू यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, और यहाँ श्वेत पालिसदार पत्थर प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा शहर में जल निकास की सुविधा सर्वोत्तम थी। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर प्राप्त हुए हैं, उसमें सर्वोत्तम किस्म की जल निकास सुविधा धौलावीरा में पाई गई। उसके बाद धौलावीरा में सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर पाए गए हैं। फिर धौलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीन युक्त क्षेत्र, जिसे मध्यमा का नाम दिया गया है, मतलब धौलावीरा शहर में मध्य या केंद्र में स्थित एक छोटा सा क्षेत्र होता था जिसे मध्यमा का नाम दिया गया है, और यह केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। मध्यमा केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। यहाँ से विशाल शैलकुंड प्राप्त हुआ है, तौल के बाट प्राप्त हुए हैं, श्वेत पालिसदार पत्थर प्राप्त हुए हैं, जल निकास की अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है, 10 बड़े अक्षर प्राप्त हुए हैं सिंधु लिपि के, और मध्यमा प्राप्त हुआ है। तो ये थी धौलावीरा और उससे संबंधित डाटा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।